स्वागत है आपका। और आज हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले एवं उनके स्थान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं धामनी, नीमच, पिपलिया, खुर्द या पोरसा। तो इसका करेक्ट आंसर है पिपलिया खुर्द, यहाँ पे पश्चिमी निमाड़वी आ सकता है और ये 15 दिवसीय मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन दे रखे हैं, इसका पहला ऑप्शन है प्रयागराज, उज्जैन, ओमकारेश्वर, ए और बी दोनों। तो जो सिंहस्थ मेला लगता है वो उज्जैन में लगता है, जो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग अलग स्थानों पर 12 वर्ष के बाद आता है मेला। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से काकूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? पिपलिया खुर्द, रीवा, गुना, छतरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है पिपलिया खुर्द खरगोन, जो पश्चिमी निमाड़ में आता है। और ये कैसा मेला है, 1 महीने तक चलता है ये मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो रीवा, भिंड, ओंकारेश्वर, गुना। तो इसका मेला लगता है रीवा में लगता है और ये बसंत पंचमी के टाइम पर लगता है। बसंत पंचमी या शिवरात्रि बोल सकते हैं, शिवरात्रि के समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है शहडोलपुर, हरदा में लगता है। इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है अशोकनगर, चंदेरी नामक स्थान पर अशोकनगर में लगता है। माना जाता है वहाँ के जो शासक थे उनको क्या है, कोर नाम की बीमारी हो गई थी, जिसमें जिसे अपन लेप्रोसी बोलते हैं, और उन्होंने इनको ठीक कर दिया था, स्वस्थ कर दिया था। उसके बाद से वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? नीमच, गुना, भामबाड़ गांव, घोगरा गांव या ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है तेजाजी महाराज का जो तेजाजी का जो मेला लगता है वो लगता है भामबाड़ गुना में लगता है तेजाजी का जो मेला। और यहाँ पे जाना जाता है इनके पास एक ऐसी शक्ति है जो सांप बिच्छुओं के जहर को क्या है, ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? ये एक मुस्लिम संत का मकबरा पे लगता है, जो मुस्लिम संत थे पीर बोला जाता है, और उनके जो मकबरा पे इस मेले का आयोजन होता है, जी सांबरा शिवपुरी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से धामनी उर्स कहाँ लगता है? यहाँ धामनी उर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ धामनी उर्स सागर में लगता है। इसका पहला ही आंसर सही है। और ये भी कोई जो अली थे, मुस्लिम संत थे वहाँ के, बाबा मस्तान अली, बाबा मस्तान अली के उसमें ये मेले का आयोजन होता है। ये शायद अप्रैल से स्टार्ट होके अप्रैल मई तक ये मेला चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मानधाता का मेला कहाँ लगता है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ओमकारेश्वर में मानधाता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से नागाजी का मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं नीमच, पोरसा, उज्जैन। नागाजी का मेला कहाँ लगता है? तो नीमच, पोरसा, उज्जैन। तो यहाँ पे पोरसा, मुरैना के पास पोरसा में लगता है। और यहाँ पर पहले क्या है, बंदर बेचे जाते थे, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। वहाँ पर अब सभी प्रकार के पशु बेचे जाते हैं, सभी प्रकार के पशु बेचे जाते हैं। तो इसका पहला आंसर सही है, नागाजी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना पोरसा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से सलकनपुर का मेला कहाँ लगता है? सलकनपुर की मेला की बात हो रही है, होशंगाबाद में लगता है ये सलकनपुर का मेला। तो मैं आपको बता देती हूँ, सलकनपुर होशंगाबाद ही इसका पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से जल विहार मेला कहाँ लगता है? जल विहार मेला की बात हो रही है, तो ये कहाँ लगता है अपना, गुना, छतरपुर, धारगढ़ या नीमच।
तो इसका करेक्ट आंसर है छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से शंकर जी का मेला कहाँ लगता है, शंकर जी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है धारगढ़, पचमढ़ी, पूर्सा, उज्जैन, ग्वालियर। तो इसका पहला आंसर सही है, धारगढ़ पचमढ़ी में उनका मेला लगता है शंकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? गरीबनाथ बाबा होगा यहाँ पर, गरीबनाथ बाबा बोला जाता है उनको। गरीबनाथ बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो वो ऑप्शन दे रखा है भिंड, सेकंड ऑप्शन देखते हैं शिवनी, अवंतीपुरम, बड़ोदिया, शाहजहाँपुर, छतरपुर। तो ये लगता है अपना अवंतीपुर, बड़ोदिया, शाहजहाँपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ चंडी देवी के मेले की बात हो रही है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका उज्जैन, छतरपुर, धोधरा गांव, सीधी या ग्वालियर। तो ये आपने देखा हुआ है यहाँ पर, इसको धीधरा गांव भी बोलते हैं, धोधरा गांव भी बोलते हैं। तो इसका सीधी में लगता है ये, तो इसका सही आंसर है। यहाँ पे चंडी देवी को क्या माना जाता है? सरस्वती का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से बाबा साहबुद्दीन अली का उर्स कहाँ है? बाबा साहबुद्दीन अली का जो उर्स है वो कहाँ पर है? तो ये आप देख सकते हो, ऑप्शन लिखे हैं अपने नीमच, सिवनी, धारगढ़ या ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है नीमच, जो बाबा साहबुद्दीन का मेला, और ये शायद 4 महीने चलता है लगभग। इस मेले का आयोजन 4 महीने होता है, फरवरी से स्टार्ट होता है और पता नहीं ये 4 महीने तक चलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से बारमार का मेला कहाँ लगता है? बारमार का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन देख लो, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, उज्जैन, छतरपुर, दतिया। तो इसका पहला आंसर सही है, गाडरवाड़ा, छतरपुर में इसका लगता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लगता है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन दिए हैं शिवपुरी, चंदेरी, भिंड, लाहार तहसील, रावतपुरा या ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, भिंड, लाहार तहसील, रावतपुरा में इनका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमिया का या हीरामन बाबा भी इनको बोला जाता है, उनका मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग्वालियर, गुना क्षेत्र, तो ऑप्शन देखो ग्वालियर, गुना क्षेत्र, भैरवनाथ शिवनी, धामनी सागर, ए और बी दोनों। तो जो हीरा भूमिया का जो मेला लगता है गुना क्षेत्र में लगता है, ग्वालियर के गुना क्षेत्र में लगता है। तो यहाँ भी ऐसा माना जाता है जो सांप बिच्छू के काटने से या जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं उनके मतलब यहाँ पर जाने से कुछ मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये मेला वहाँ पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से भाट घोघरा का मेला कहाँ लगता है? भैरवथान, सिवनी, रीवा, छतरपुर, उज्जैन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो भाट का मेला लगता है वो लगता है भैरवथान, सिवनी। इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से रामलीला का मेला कहाँ लगता है? तो ये आप राम लीला का मेला कहाँ लगता है, ये भांडेर में लगता है अपना, दतिया भांडेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शायद अप्रैल से लेके जनवरी से फरवरी तक चलता है, ये जनवरी से लेके फरवरी तक ये मेला चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कपिलेश्वर का जो मंदिर है, कपिलेश्वर का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है अपना सारंगपुर, राजगढ़, पूर्सा, उज्जैन, नीमच। तो पहला इसका राइट ऑप्शन है। थैंक्स।